हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। इस समय हम मौजूद है कुर्ला वेस्ट के किरल रोड पर स्थित, और यहां पर आप मेरे पीछे ये जो रास्ता देख रहे हैं, ये रास्ता जो है कोहिनूर हॉस्पिटल की तरफ जाता है और बाजू में जो है एक स्कूल भी है। अब ये जो पूरे परिसर के हालात है, जैसे जैसे मनपा चुनाव नज़दीक होता है वैसे तमाम विकासकर्ताओं की जो है पोल खुलती हुई नज़र आती है। इस पोल में जो है एक पोल का भी झोल है जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जहाँ पर SDIL कंपाउंड से सटा हुआ जो पूरा परिसर है, जो विद्या विहार स्टेशन की तरफ जाता है, वो रोड पर जो है स्ट्रीट लाइट का मसला है। और इस मसले को लेकर के इमरान भाई ने जो है संपर्क किया, पूरे मामले को जो है पत्र व्यवहार कर रहे, लेकिन प्रशासनिक लेवल तक कोई बात जो है वो सुन नहीं रहा। इमरान भाई, ये लाइट की मसले की जो है वो कब से हो रही है और क्या तकलीफें सामने आपको फेस करनी पड़ी? मैं इमरान शेख, राष्ट्रवादी पक्ष। कम से कम ये जो पोल लाइट खड़ी है, जो कम से कम 6 साल से पोल लाइट खड़ी है, मैं 2 महीने से ट्राई कर रहा हूँ कि ये पोल लाइट चालू, जल्द से जल्द चालू होना चाहिए। 2 महीने से डाल रहा हूँ लेकिन अभी तक कुछ रिप्लाई नहीं आया आयल वार्ड से, और मैं इनको फॉलोअप ले रहा हूँ तो कुछ बता नहीं रहे कभी चालू होगा। ये वार्ड क्रमांक 164 है, हरीश बागिंदर के में आता है उनके इसमें। तो मतलब लगातार आप पत्र व्यवहार कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं आला अधिकारी? वो बोल रहे हैं कि अभी इनका अधिकारी आया था, अडानी का स्टाफ आया था, मैं उनसे मेरी बात हुई, वो बोले कि मुझे गाड़ी की ज़रूरत है, मुझे गाड़ी नहीं दे रहे तो मैं चालू नहीं कर पा रहा हूँ। उनको वापस मैं कॉल करा 1-2 हफ्ते के बाद, तो वो बंदा गाँव चले गए, तो फ़ोन कर रहा हूँ तो फ़ोन नहीं उठा रहा है, ऐसे ही हो रहा है मेरे साथ। अच्छा, ये स्ट्रीट लाइट ना होने की वजह से क्या क्या तकलीफें लोगों को होती है? अंधेरा है, हादसा होता है, ऐसा क्या तकलीफ है? यहाँ पे कम से कम अभी पिछले 1 महीने पहले रेप का केस हुआ था और मर्डर का भी केस हुआ था, तो मैं जल्द से जल्द ये लाइट इसलिए चालू कराना चाहता हूँ कि यहाँ पे विद्या स्टेशन है, यहाँ पे पास में स्कूल है, और यहाँ पे सब लेडीज़ लोग आसपास में गुजरते हैं, नौजवान बच्चे लोग गुजरते हैं, ऐसा मैं कुछ नहीं सोचता हूँ, जल्द से जल्द चालू हो जाए, कुछ ऐसा हादसा ना हो। अच्छा, यहाँ जब हम खड़े हैं, 2 लाइट यहाँ पर है, अगर यहाँ पे भी जो लाइट नहीं थी, आप मेरे पीछे जो बस स्टॉप देख रहे हैं, आप जो है यहाँ बस स्टॉप का मसला बता रहे थे कि लाइट ना होने से जो है आड़ में अश्लील हरकतें होती है। यहाँ पे कपल्स पॉइंट बन चुका है, यहाँ पे लाइट नहीं है, फ़ायदा उठा रहे हैं। तो क्या इस वीडियो के जरिए प्रशासनिक लेवल तक जो है आप बात करना चाहते हैं, क्या रिक्वेस्ट है? मैं जल्द से जल्द ये लाइट चालू कराना चाहता हूँ एल वार्ड से, और मुंबई महाराष्ट्र अपने एल वार्ड से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जल्द से जल्द ये लाइट चालू करा दे, और ऐसा कुछ हादसा ना हो, ना उसका हादसा का वेट मत करो कि जल्द से जल्द चालू करा दे, ऐसा कुछ ना हो बस। मतलब हादसा होता है तो ही चालू होता है, इसके बिना नहीं होता है। इस पूरे जानकारी को लेकर के जैसे इमरान भाई ने पूरी जानकारी दी है, अब ये देखना है कि क्या मनपा चुनाव या किसी हादसे का इंतज़ार करते हुए जो है पोल लाइट लगता है, या इसी तरीके से अंधेरे से जो है हादसे का इंतज़ार होता है। अब ये देखना है कि यहाँ पर स्ट्रीट लाइट का जो मुद्दा है वो कब हल होता है, और क्या कोई बात करना है? हमारा यहाँ का जो वार्ड क्रमांक 164 है, एक लावारिस की तरह हो चुका है यहाँ पे, इसको कोई गोद लेने वाला है तो बता दीजिए। एक न्यूज़ के माध्यम से मैं ये बात बोलना चाहता हूँ बस। जैसे इन्होंने वार्ड 164 की बात करी है, और हम आपको ज़्यादा डिटेल में भी नहीं बताएंगे, क्योंकि उस वार्ड की जो है तमाम हकीकत आप तक हम लगातार पहुँचाते हैं, चाहे वो रास्ते का काम हो या गटर नाली की साफ़ सफाई का हो, सब काम को लेकर के आपने नगर सेवक का विकास देखा है, और कैसे ये विकास में बड़ा भ्रष्टाचार होता है स्ट्रीट लाइट के ज़रिए भी आप जो है सुन चुके हैं। ऐसे तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। कैमरामैन नावेद कुरेजी के साथ अफजल शेख, मुंबई टीवी, कुर्ला।